मैं अपनी वीडियोस में टाइम टू टाइम आप लोगों को ये बताता रहता हूँ कि आप फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग करने के लिए या फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए कैसे अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसा ही तरीका आज मैं आपको एक और बताने वाला हूँ जो है कंटेंट राइटिंग का। आप कंटेंट राइटर बनकर भी अपने स्क्रिप्ट राइटिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या है कंटेंट राइटिंग और आप कंटेंट राइटर बनकर कैसे अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कंटेंट राइटिंग होता क्या है। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो मैगजीन हो या फिर वो टीवी का कोई रियलिटी शो हो या फिर वो कोई वेबसाइट हो, उसके लिए अगर आप कोई कंटेंट लिखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें अंदर में लिखी हुई रहेंगी, किस तरीके से उसको डिजाइनिंग रहेगी, तो अंदर का जो कंटेंट है अगर आप वो रेडी करते हैं, अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप उस कंटेंट को रेडी कीजिए, तो उसे कंटेंट राइटिंग कहा जाता है। तो देखिए, कंटेंट राइटिंग जो है ये बहुत ही सिंपल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेबसाइट आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर में क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे। जब भी कोई इंसान कोई वेबसाइट बनवाता है तो वेबसाइट के अंदर में वो बता देता है कि हाँ, इस तरीके से वेबसाइट है, ये चीज़ें उसमें रहेंगी। अब आपको अंदर की चीज़ों को रेडी करना रहता है कि क्या आप लिखेंगे, क्या वर्ड्स लिखेंगे, किस तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे कि लोग जो है वो अट्रैक्ट हो, तो वो होता है कंटेंट राइटिंग। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वेबसाइट के लिए रेडी करेंगे तो ही उसे कंटेंट राइटिंग बोला जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अगर आप किसी टीवी की रियलिटी शो के लिए, जैसे बहुत सारे टीवी शोज होते हैं, आप अगर कपिल शर्मा शो की बात करें या फिर ऐसे बहुत सारे टीवी के रियलिटी शोज होते हैं, तो उन रियलिटी शोज की भी स्क्रिप्टिंग की जाती है। आपको हो सकता है ये जानकर आश्चर्य हो कि उन जो रियलिटी शोज होती है उसकी भी स्क्रिप्टिंग की जाती है। इनफैक्ट जो डांस की रियलिटी शोज रहते हैं, जो आप देखते हैं वहां पर कि जो मान लीजिए जो एक्ट वहां पर कर रहा है या फिर जो डांस कर रहा है, वो डांस जो करता है वो इंसान कुछ बोलता है या फिर जजेज उसको कुछ बोलते हैं, चलिए थोड़ी बहुत तो वहां पर ही हो जाती है बातें, लेकिन जो मेन वहां पर जो डायलॉग्स रहते हैं, कुछ आपने देखा होगा, कुछ हंसी की बात हो जाती है या फिर कोई एक्ट करने लगता है, वहां पर कोई एक तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, वहां पर वो एक्ट करने लगेगा, तो ये सभी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है रियलिटी शोज में भी। तो वो स्क्रिप्ट का जो कंटेंट रहता है वो कंटेंट राइटर रेडी करता है, तो उसे भी कंटेंट राइटर कहा जा सकता है। ये आप मान के चलिए, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कुछ रियलिटी शोज है उसमें कुछ लोग जो गए हुए हैं वो लोग रोते हैं या फिर रो करके कुछ डायलॉग्स बोलते हैं, तो ये सभी चीज़ें भी क्या होता है, ये सभी चीज़ें भी स्क्रिप्टेड रहती है बहुत हद तक। ऐसा नहीं कि सभी स्क्रिप्टेड रहती है, लेकिन बहुत हद तक ये भी स्क्रिप्टेड रहती है। तो ये कंटेंट राइटर का काम होता है। तो इस तरीके से वेबसाइट्स, अगर मैगजीन का कंटेंट है तो मैगजीन, या फिर टीवी रियलिटी शो का कंटेंट है तो टीवी रियलिटी शो का कंटेंट, तो ये सभी जो कंटेंट है ये कंटेंट राइटर रेडी करता है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप कंटेंट राइटर बनकर कैसे अपनी फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों को अपने कोर्स के बारे में जरूर बता दूं। मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है स्क्रिप्ट राइटिंग का, जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। उस कोर्स में आपको प्रोफेशनल तरीके से फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाएगी और व्हाट्सएप के जरिए सिखाई जाएगी। आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में रहते हो या फिर इंडिया के बाहर रहते हो। उस कोर्स में अभी ऑफर चल रही है, कोर्स की फी है 4,500 रुपीज, लेकिन अगर आप फर्स्ट 60 स्टूडेंट्स के अंतर्गत आते हैं तो आपको कोर्स की फी लगेगी मात्र 3,900 रुपीज। तो अभी इसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स बचे हुए हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स बचे हुए हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कंटेंट राइटर बनकर आप कैसे फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एक कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी मैगजीन के लिए काम कर रहे हो या फिर आप किसी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो या फिर आप किसी टीवी शो के लिए काम कर रहे हो, तो ये हुआ आपका एक क्रिएटिव वर्क। आपने कुछ क्रिएटिव किया है इस राइटिंग के फील्ड में, आपने कुछ क्रिएटिव किया है, तो ये जो आपका क्रिएटिव राइटिंग है ये आप दिखा सकते हैं प्रोड्यूसर्स को कि आपका ये एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, आप कंटेंट राइटिंग भी एक साइड करते रहे और दूसरे साइड आप फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते रहे और प्रोड्यूसर्स से भी मिलते रहे, प्रोड्यूसर्स को अपनी स्क्रिप्ट दिखाते रहे, प्रोड्यूसर्स के पास आप जा करके स्क्रिप्टिंग की भी ट्राई करते रहे। तो वहाँ जब आप जाएंगे तो आप इसे दिखा सकते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एज अ कंटेंट राइटर इस कंपनी में काम करता हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो प्रोड्यूसर्स जो है वो आप पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आप बिल्कुल नए नहीं हैं, आपका ये एक्सपीरियंस है। और देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नए लोग जो रहते हैं उनको काम नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन उन्हें फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में आनी चाहिए। अगर आपको
पूरे प्रोफेशनल तरीके से फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग आती है तो बिल्कुल आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलेगा एज अ राइटर। और अगर एक्सपीरियंस आपके साथ होता है जैसे कंटेंट राइटिंग का या किसी भी चीज़ का आपके साथ में एक्सपीरियंस होता है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट का काम करता है। तो आप अगर प्रॉपर स्क्रीन प्ले लिखना नहीं जानते, स्क्रिप्ट लिखना नहीं जानते या फिर उससे रिलेटेड चीज़ों को आप लिखना नहीं जानते जैसे सिनॉप्सिस, प्लॉट, तो आपको बिल्कुल हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप कंटेंट राइटिंग करके वहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि प्रोड्यूसर्स आप पर ध्यान देंगे। अब देखिए, कंटेंट राइटिंग में काम पाना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आप वेबसाइट्स कंपनीज को अप्रोच कीजिए, आप मैगजीन्स कंपनीज को अप्रोच कीजिए और आप टीवी सीरियल में जो रियलिटी शोज होते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे राइटर्स रहते हैं तो आप उन्हें अप्रोच कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं वर्क मिल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है काम पाना। अगर आप क्रिएटिव वर्क कर पाते हैं, आप अच्छे से राइटिंग कर पाते हैं तो बिल्कुल आपको वहाँ पर काम मिल जाएगा और फिर ये आपके लिए एक सीढ़ी का काम करेगी आपको फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग तक पहुंचाने के लिए और फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स की फी आपकी सुविधा के लिए मात्र 4,500 रुपये रखी गई है। अभी चल रहे ऑफर के तहत इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले पहले 60 आवेदकों के लिए कोर्स की फी मात्र 3,900 रुपये है। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के लिए 3,900 रुपये का पेमेंट आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट डिटेल्स पर कर सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार पैसे बैंक जाकर भी इस अकाउंट नंबर पर जमा कर सकते हैं या आप इसी अकाउंट नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की रिसिप्ट आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो या फिर इंडिया के बाहर रहते हो। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।